MC Stan is the most mysterious rapper to ever exist in DHH. तुम सोचोगे भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बताता हूँ। So currently अगर तुम MC Stan को Instagram पे सर्च करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि MC Stan का प्रोफाइल तुम्हें Instagram पे नजर ही नहीं आएगा और तुम्हें शायद ये भी लगेगा कि शायद MC Stan ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम MC Stan के Instagram लिंक को डायरेक्ट ओपन करोगे तो वो कुछ ऐसा नजर आता है। सो MC Stan ने खुद अपना प्रोफाइल डीएक्टिवेट या फिर घोस्ट करके रखा है और सिर्फ तुम इकलौते नहीं हो जिसे MC Stan का प्रोफाइल नजर नहीं आ रहा है, किसी को भी नजर नहीं आ रहा है। और ये पहली बार बिल्कुल भी नहीं है जब MC Stan ने अपने Instagram या फिर सोशल मीडिया पे कुछ अजीब सी हरकतें की है। मिस्टीरियस प्रोफाइल पिक्चर लगाना, अपने सारे पोस्ट डिलीट करना, प्रोफाइल पिक्चर के थ्रू अपने अपकमिंग एल्बम या फिर अपने अपकमिंग ट्रैक की हिंट देना या फिर अपने आप को पूरी तरह से घोस्ट कर देना, MC Stan ये बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। पर अगर हम इस बार की बात करें तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। MC Stan ने इस लेवल तक अपने आप को घोस्ट कर दिया है जैसा MC Stan ने इसके पहले कभी नहीं किया था। लास्ट इंस्टाग्राम लाइव MC Stan का हमें अप्रॉक्स आज से 6 महीने पहले देखने को मिला था। MC Stan ने रिसेंटली कोई भी प्रॉपर मीडिया इंटरेक्शन या फिर इंटरव्यू नहीं किया है, सारे पॉडकास्ट अप्रॉक्स 1 साल पुराने हैं। और तुम लोगों को क्या लगता है MC Stan या फिर उनकी जो मैनेजमेंट है वो ये सब क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि MC Stan का हमें 3rd स्टूडियो एल्बम बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। MC Stan हैज अ बिग फैन फॉलोइंग, ही हैज अ कल्ट। MC Stan जब भी कुछ शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे तो उसके अराउंड कंस्पिरेसी थ्योरीज बनने लग जाती है। MC Stan अगर अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं तो उनके फैंस उस प्रोफाइल पिक्चर से उनके एल्बम की हिंट निकालने लग जाते हैं। अभी तक MC Stan ने अपने अपकमिंग एल्बम की ऑफिशियल नेम अनाउंसमेंट नहीं करी है, इसके बावजूद सोशल मीडिया पे MC Stan के फैंस अप्रॉक्स 5 से 6 नाम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि MC Stan के अपकमिंग एल्बम का ये नाम हो सकता है। सो MC Stan का ये मिस्टीरियस बिहेवियर, अपने आप को घोस्ट करना, कहीं ना कहीं उनके लिए एक एडवांटेज भी बन जाता है जहां पे उनके फैंस और भी ज्यादा क्यूरियस होते हैं और उनके ऊपर मल्टीपल थ्योरीज बनाई जाती है। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही सेम एक इंटरनेशनल रैपर है, उनके साथ भी होता है। और MC Stan और इस इंटरनेशनल रैपर के बीच बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी मैंने नोटिस किया है पिछले 2-3 सालों में। मैं बात कर रहा हूँ प्लेबॉय कार्डी की। प्लेबॉय कार्डी फैन बेस हैज टू बी द क्रेजीएस्ट ऑफ देम ऑल। These motherfuckers will get excited for anything he does, bro. I've seen Cardi fans get hype over tweets, IG posts. It doesn't end there. These motherfuckers are well-documented conspiracy theorists. Like, when it comes to Cardi dropping an album, bro, they create conspiracies. They be reaching more than Michael Jordan on Space Jam. So, हम बात कर ले MC Stan के ड्रेसिंग स्टाइल की, उनके हेयर स्टाइल की, उनके एल्बम प्रोमोशन के स्ट्रैटेजी की। बहुत ज्यादा चीजें सिमिलर है MC Stan की प्लेबॉय कार्टी के साथ। सो अगर तुम लोग प्लेबॉय कार्टी को नहीं जानते हो, उनके बारे में जानना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो प्लेबॉय कार्टी के ऊपर बना रखा है, तुम जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हो। मैंने सब कुछ प्लेबॉय कार्टी से रिलेटेड इस वीडियो में कवर किया है। सो प्लेबॉय कार्टी ने अपना लास्ट एल्बम होल लॉट ऑफ रेड 2020 में ड्रॉप किया था और अब अप्रॉक्स 3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक हमें प्लेबॉय कार्टी का नेक्स्ट एल्बम देखने को नहीं मिला है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्लेबॉय कार्टी का अगला एल्बम हमें इस साल देखने को मिलेगा। सो वापस आते हैं हम टॉपिक पे, हम बात कर रहे थे सिमिलैरिटीज की MC Stan और प्लेबॉय कार्टी के बीच। सो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि MC Stan प्लेबॉय कार्टी को बहुत हद तक रिजेंबल करते हैं। हम बात कर ले उनके डीपी चेंज करने के प्रोसेस की, जैसे MC Stan अपनी डीपी चेंज करते हैं, अपने डीपी में हिंट देते हैं, प्लेबॉय कार्टी के साइड से भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जैसे MC Stan की इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी मिस्टीरियस है, अपने सारे पोस्ट प्राइवेट कर देना या फिर अपने आप को घोस्ट कर देना, एग्जैक्टली प्लेबॉय कार्टी के साइड से भी तुम्हें ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाएगा। करंटली प्लेबॉय कार्टी का इंस्टाग्राम कुछ ऐसा नजर आता है। हम बात करें प्लेबॉय कार्टी की तो पिछले 2-3 साल से प्लेबॉय कार्टी ने कोई भी मीडिया इंटरेक्शन या फिर इंटरव्यू नहीं दिया है। अभी रिसेंटली प्लेबॉय कार्टी हमें एडन रॉस के साथ एक पॉडकास्ट में नजर आए थे जो कि 6 मिनट चला था, जहां पे उन्होंने सिर्फ 2024 आई लव यू और एक दो वर्ड बोले थे और चले गए, जिसके लिए उनको $2 million पे किया गया। एग्जैक्टली पूरा वीडियो क्या था, अगेन मैंने एक वीडियो बनाया उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, तो वो चेक कर सकते हो। सो प्लेबॉय कार्टी रियल लाइफ में बहुत ही डिफरेंट है। ये जो हम उनका कैरेक्टर या फिर पसोना देख रहे हैं वो सिर्फ उनकी रियल लाइफ है या फिर वो अपने ऑडियंस के लिए करते हैं, क्योंकि 2022 में कार हाई स्पीड चलाने की वजह से प्लेबॉय कार्टी को अरेस्ट किया गया था, जहां पे प्लेबॉय कार्टी का रियल कैरेक्टर नजर आया था हमें और समझ आया था कि प्लेबॉय कार्टी रियल लाइफ में बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो नॉर्मली बात करते हैं, उनको डर लगता है। ठीक है, मैं वीडियो क्लिप प्ले कर देता हूँ, ये चेक कर लो। Explain it to me.
operation because I had an emergency. Bro, you're driving 133 miles an hour in a 55 mile an hour zone. और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ एमसी स्टैन के साथ भी हुआ था जब एमसी स्टैन बिग बॉस में गए थे, जहां पे हमने एमसी स्टैन को नॉर्मल इंसानों के जैसा रहते हुए या फिर बिहेव करते हुए देखा, एमसी स्टैन को रोते हुए देखा, जो उनकी ऑनलाइन पर्सोना ऑनलाइन कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट है। सो ये तो बात हो गई अपीयरेंस पर्सनैलिटी की। सो तुम लोग बोलोगे भाई दोनों का म्यूजिक तो बहुत ही डिफरेंट है, तुम कैसे दोनों बोल सकते हो कि एमसी स्टैन रिजेंबल करते हैं प्लेबॉय कार्टी से। बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एमसी स्टैन के साइड से हमें प्लेबॉय कार्टी के स्टाइल का म्यूजिक भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और इसका हमें एक हिंट भी मिला था जब एमसी स्टैन ने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम लाइव किया था, जहां पर उन्होंने अपना एक अनरिलीज स्निपेट प्ले किया जो कि प्लेबॉय कार्टी के साउंड से बहुत ज्यादा आइडेंटिकल लग रहा था। एमसी स्टैन के फैंस जो ये वीडियो देख रहे हो बिल्कुल नाराज मत होना, मैं यहाँ पे एमसी स्टैन को बिल्कुल कॉपी कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ, या फिर नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमसी स्टैन की अपनी खुद पर्सनालिटी नहीं है, वो बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं प्लेबॉय कार्टी को। पर कहीं ना कहीं हमें ये मानना होगा कि एमसी स्टैन प्लेबॉय कार्टी से बहुत हेवली इन्फ्लुएंस्ड है, जो उनके लाइफस्टाइल में, जो उनके बिहेवियर में और जो उनके म्यूजिक में भी बहुत हद तक अब हमें नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। हर देसी रैपर किसी ना किसी इंटरनेशनल रैपर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, इंस्पायर्ड होता है, और एमसी स्टैन अब प्लेबॉय कार्टी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं। भले उन्होंने कभी प्लेबॉय कार्टी का नेम ड्रॉप कहीं नहीं किया है, उन्होंने लिल वेन का नेम ड्रॉप किया है, यंग थग का नेम ड्रॉप किया है, बट नजर आ रहा है भाई चीजें कि प्लेबॉय कार्टी से इंस्पायर्ड है एमसी स्टैन बहुत ज्यादा। ओके, सो तुमने सुना होगा ना कि तूफान आने से पहले एक शांति बनी होती है, ठीक है, तो शायद एमसी स्टैन ने वही शांति क्रिएट कर रखी है तूफान आने के पहले वाली, और शायद अब हमें एमसी स्टैन के साइड से उनका एल्बम देखने को मिले, और शायद एल्बम का रोल आउट बहुत जल्द स्टार्ट भी हो जाए, ट्रैक लिस्ट शेयर करना स्टार्ट कर दे एमसी स्टैन, या फिर एमसी स्टैन एक सिंगल ड्रॉप कर दे जो कि उनके एल्बम का पार्ट हो, और यहां से उनके एल्बम की जो रिलीज है वो स्टार्ट हो जाए। और रिसेंटली ऐसा हुआ भी, एमसी स्टैन ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक पिक्चर शेयर किया जहां पे हम एमसी स्टैन को एक मोहतरमा के साथ देख सकते हैं, और वीडियो देख के साफ पता चल रहा है कि ये म्यूजिक वीडियो की शूट है, मतलब गाना ऑलरेडी बन चुका है और हमें म्यूजिक वीडियो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एमसी स्टैन ये भी लिखते हैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे, किधर है टू सून हा हा हा, मे बी गाने का नाम हो सकता है किधर है टू, जो कि बहुत जल्द ड्रॉप होने वाला है। और यहाँ पे एक एल्बम हिंट भी है जो सून लिख रहे हैं एमसी स्टैन। अगर तुम्हें पता हो तो एमसी स्टैन हमेशा एल्बम के बारे में आउट सून बोलते रहते हैं, तो मे बी शायद एक हिंट दिया हो कि भाई मे बी एल्बम का सिंगल हो। ओके, सो हमें सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा, देखना होगा एमसी स्टैन कब ये अपना सिंगल ड्रॉप करते हैं, एमसी स्टैन का पूरा एल्बम कब ड्रॉप होता है, उनके एल्बम में कैसा म्यूजिक स्टाइल हमें देखने को मिलता है। कार्टी का रेफरेंस मैंने ऑलरेडी दिया, कैसे अब एमसी स्टैन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं प्लेबॉय कार्टी से, तो मे बी प्लेबॉय कार्टी का म्यूजिक स्टाइल हमें इस एल्बम में देखने को मिल सकता है, उसकी बहुत ज्यादा चांसेस है। बाकी एल्बम के ऊपर और कोई अपडेट आएगा तो मैं तुम लोगों को अपडेट कर दूंगा। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल वीडियो ऑन मिस्टीरियस एमसी स्टैन एंड प्लेबॉय कार्टी, ठीक है। बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो मजा आया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।